पुराना गीत है अभी भी गाओ तो ऐसे लगते आजे यह बने है का, है ना, है छत्तीसगढ़ी गीत, लेकिन मस्तुरिया साहेब शब्द में वो प्राण डाल दे और खुमान साहब जी वो संगीत डाल दे जो हर के रग रग में बसे हुए अभी भी से। आज वही प्रयास सभी के कलाकार मन हम करी, कोई साहित्यकार के पास जाई तो हम तो जाना नहीं चाहन बातें मेरे, हम सीखना नहीं चाहन भाई, गुरु बिना ज्ञान नहीं नहीं, हर पहलू में गुरु की जरूरत है। हमन सन 86-87 में 80 किलोमीटर बस में जाओ में, अब बस उतर के 8-10 किलोमीटर पैदल जाना हर शनिवार के रिहर्सल में। अपन ददा के डर में हमन 20 रुपया किराना दुकान से चोरावन हमन रोज 15-20 रुपया, उसे मांगो तो नहीं दही कहीं के। अब वो समय के पैसा ला देखा 10-15-20 रुपया है, आज 86-87 की बात है, वही पैसा ला दर के किराया चढ़ के जावन जी। तब बोले हमारे गुरु जी कहे यहाँ खाक सुते लाए हरे कहे, अब आपके गुरु जी मन खिसियाही तो उठ पर आए, ऐसी स्थिति हो गई। तो गुरु के जो भी वाणी निकल ही वह का है सीखे ज्ञान है, तो हम जब तक गुरु के शरण में नहीं जावो तब तक हम साहित्य ले नहीं समझ सकन, न संगीत ले समझ सकन। ये अब मैं तो समझता हूँ कि एक तीर्थ ले बड़े तीर्थ, अब हम का वो तीर्थ पर हम ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा कर सकन भाई, तो यह तो हमारे लिए ऐसे तीर्थ है कि भात साग भी मिला थे, मान सम्मान भी मिला थे, समय में पैसों कौड़ी भी मिला थे। ये तीर्थ मैं सर्व सुविधा मानता हूँ, तो मैं कहता हूँ कोनो माने या ना माने चल हमन दोनों जन, ये मैं लगा था अभी तबला बजाही है, और कोनो का करबो तबला नहीं मिली तो काम करी होते हैं तबला बजावे में हारमोनियल धरी हूँ, और गाँव वाले मंजीर है अपन भिड़ा लेबो गाबो बजाबो, यही हमारे लिए तीर्थ का करबो भाई। तो ये भाव कहीं हमर सब में हुआ जाए तब फिर संगीत के आनंद है और सत्संग के आनंद है, जीवन के आनंद है, ऐसे लगते मोला है ना। कुछ त्याग हमर जीवन में मतलब हो, ये त्याग है समाज ल दिखे एक। दूसरा चीज है हमर गुरुदेव कहे है बेटा ये संसार एक खेती है, संसार रूपी खेती में जो तय बोबे वो काटबे, ये अटल सत्य है। तो अपन कमाए हुए अंश में से कुछ अंश जरूर निकाली, ज्यादा बोलबो तो एक बड़ाई के पात्र बन जावो अच्छा भी नहीं लगत, लेकिन कुछ बात बोले पड़ते। हमर रतनपुर से 5 किलोमीटर आसपास में खूटा घाट बांध है, उसमें एक भैया है टिंकू बैसवाड़े जी, पूरा परिवार आध्यात्मिक जीवन जिया थे, 24 डिसमिल जमीन दान देस, वो जमीन में विद्यालय बन गए, सरकारी फंड से पैसा नहीं लिए, कुछ संगी भाई हन तेन मन जय सामर्थ्य अनुसार पैसा लगा लगा के आज 24-25 लाख रुपया खर्च करके विद्यालय प्रारंभ हो गए है, 95-96 बच्चा पढ़ाते हैं। तो मैं रामायण मंच में बोला था, अतिशयोक्ति और कोई झूठ फूट के बात नहीं है, हम कहीं से भी जाबो तो 2 पैसा जिन मिल जाए कम से कम 2 पैसा बचा करके, कुछ अंश बचा करके विद्यालय के लिए भी और गुरु आश्रम के लिए भी जरूर हम रखी, उखर परिणाम जरूर भविष्य में जीवन में मिली, ये हमारे में भाव। चलो एक गीत उखर बाद फिर एक ठंडी का बोले हमारे चलिए।